नमस्कार, टूटे भारत लाइव में आप सभी का स्वागत है। ज्वाला केस में सीएम केजरीवाल ने की पीड़ित परिवार से बात, न्याय दिलाने का किया वादा, 10 लाख के मुआवजे का ऐलान। देश की राजधानी दिल्ली में शर्मसार करने वाला मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। युवती की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि जब हमने मृतक युवती के रास्ते का पता लगाया तो सामने आया कि वह अपनी स्कूटी पर अकेली नहीं थी। हादसे के वक्त उसने एक और लड़की को बैठा रखा था। उससे हादसे में हल्की चोट लगी थी। घटना के बाद वह घर चली गई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि पीड़िता की मां से बात हुई, बेटी को न्याय दिलाएंगे, बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेंगे। पीड़िता की मां बीमार रहती है, उसका पूरा इलाज करवाएंगे। पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। सरकार पीड़िता के परिवार के साथ है, भविष्य में कोई जरूरत हुई तो हम पूरा करेंगे। मौलाना आजाद मोर्चरी से पीड़ित युवती का शव लेकर परिजन निकल गए हैं। बता दें कि सोमवार को कांजवाला केस की पीड़िता का पोस्टमार्टम हुआ था। पीड़िता का पोस्टमार्टम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में किया गया। कांजवाला कांड में नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में करीब 2:15 बजे कृष्ण विहार इलाके में 2 युवतियां स्कूटी से जाती हुई दिख रही हैं। उसी वक्त थोड़ी ही देर बाद दूसरी तरफ से आरोपियों की बलेनो कार से स्कूटी की टक्कर होती है। उसके बाद इस वीडियो में कार के अंदर से लड़की का चप्पल गिरता हुआ भी देखा जा सकता है। सूत्रों के अनुसार लड़की के प्राइवेट पार्ट पर कोई चोट के निशान नहीं है। डॉक्टर आज पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं हुई दुष्कर्म की पुष्टि। बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में हुए दर्दनाक हादसे के मामले में एक और खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने अनौपचारिक रूप से पुलिस को बताया है। पोस्टमार्टम से पता लगा है कि लड़की के पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। दूसरी तरफ मृतक लड़की की सहेली 164 के बयान हो गए हैं। लड़की ने कोर्ट में कहा है,